फाइनली दोस्तों आप सभी का स्वागत है और एक नई वीडियो में मैं हूं अनवर लोहार। आप देख रहे हो अनवर एसपी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो है जो दूसरे पार्ट में, इस गाड़ी का पहला भी पार्ट आ चुका है, अगर वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके इस गाड़ी का पहला पार्ट आप ज़रूर देख लेना। दोस्तों ये गाड़ी 2019 की है, गाड़ी हमारे पास गुजरात सूरत बारडोली से आई हुई है और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो एक्सीडेंट गाड़ी थी, आगे का पूरा केबिन हम रीस्टोर मॉडिफाइड कर रहे हैं। तो इस गाड़ी में किस तरह से काम होगा वो सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको इस गाड़ी का वॉकराउंड दिखाया था और क्या करने वाले थे ये मैंने आपको बताया था, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको डेंटिंग का काम के साथ आपको पेंटिंग का काम भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हमारे कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो पेंटर हैं, तो इसी के लिए मैंने थोड़ी डिटेल में वीडियो बनाई है। तो बस आज की वीडियो में हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको, क्योंकि वीडियो भी थोड़ी लंबी है, काम आपको मैंने बहुत ज़्यादा इस वीडियो में बताने वाला। तो लाइक का बटन जरूर दबा देना है, कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है। तो चलो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। फिलहाल गाड़ी में पूरा जो सामान था गाड़ी का वो खुल चुका है, इस गाड़ी के आगे के जो फेंडर वगैरह है वो सब कुछ खुल चुका है और फेंडर यहाँ पर रखे हुए, अंदर का जो वायरिंग का पूरा सिस्टम था वो सब कुछ, जो भी काम इसमें जो ऐसे खुलने जैसा था वो सब हमने पार्ट्स इसके खुल चुके हैं और केबिन का पूरा वॉकडाउन देख लो, मतलब सब पार्ट्स खुल चुके हैं, इंजन का वायरिंग वगैरह वगैरह कम्प्लीट खुल के अभी ये गाड़ी जाएगा पूरा बॉडी काम में और फाइनली हो चुका है कि इसी केबिन को हम पूरा बनाने वाले। से 20 दिन के बाद आज ये केबिन का जो डेंटिंग का काम था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक्सीडेंट गाड़ी को पूरा रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, गाड़ी भी डेंटिंग काम से पेंटिंग काम में भी आ चुकी है, पीछे का शीशा हमने चेक कर लिया है कि अच्छी तरह से फिटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसको भी चेक कर लिया है और इस गाड़ी का टॉप से और साइड से बहुत ज़्यादा गाड़ी में डैमेज था। मेरी ये पहली गाड़ी थी एक्सीडेंट वाली, इससे मैंने पहले एक्सीडेंट वाली गाड़ी नहीं बनाई है लेकिन पहली गाड़ी थी और मज़ा आया बहुत डेंटिंग का काम करवाने में और अच्छी तरह से पूरा काम हुआ है, ये भी एक बड़ी बात है। बहुत मेहनत के साथ हमने इस गाड़ी में काम किया है, अभी इसमें हम जो कलर का काम करने वाले हैं वो भी बहुत मेहनत के साथ करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये गाड़ी 2019 की है तो इसमें काम भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। और कौन से पार्ट्स इस गाड़ी में हमने चेंज किए वो भी आपको दिखाऊँ। सबसे पहले ये जो आप डोर दिख रहे हो, ये डोर जो है वो हम कबाड़ी में से ओरिजिनल लेके आए थे, वो हमने इंस्टॉल किया हुआ है। इस गाड़ी का जो आगे का फ्रेम है जो वो पूरा डैमेज था तो उसको भी हमने पूरा फ्रेम जो आपको दिख रहा है ये हमने नया इंस्टॉल किया हुआ है। साइड की जो हवा बारी दिख रही है वो भी नई है और ये जो आपको बोनट दिख रहा है ये भी नया है और आगे की जो लाइट की जो पूरी फ्रेम है हम चश्मा पट्टी बोलते हैं वो भी नई है और इसी के साथ तो इसमें साइड से जो आपको ये दिख रहा है, ये जो पूरा आप दिख रहा है ये पूरा हमने रिपेयर किया हुआ है, ऊपर का टॉप भी हमने रिपेयर किया हुआ है और इसका एलाइनमेंट वगैरह, मतलब कि डेंटिंग काम में एलाइनमेंट वगैरह बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जब गाड़ी बनती है जब एक्सीडेंट वाली उसमें ज़्यादातर मेहनत इसी में लगती है कि इसको अच्छी तरह से पूरा एलाइनमेंट हो और अच्छी तरह से पूरा एलाइनमेंट करना ही पड़ता है, नहीं तो गाड़ी ऐसा लगेगा कि पूरा रिपेयर वगैरह हुआ है। तो शीशा भी हमने पूरा लगा के चेक कर दिया है, पुराना शीशा हमने लगाया हुआ है तो वो भी अच्छी तरह से पूरा फिटिंग हो चुका है और पहले हमने इसीलिए देखा है क्योंकि ज़्यादातर होता ये है कि कोई डेंटर ऐसा होता है पहले पूरा काम कर देता है और कलर के बाद उस पर शीशा नहीं लगता है, तो भाई अगर आप डेंटिंग का काम करते हो तो शीशा पहले चेक कर दो कि फिटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है और एलाइनमेंट में भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, अगर शीशा अच्छी तरह से बैठ गया तो समझ लो कि इस गाड़ी का एलाइनमेंट वाला काम अच्छी तरह से हुआ है। और डोर की पूरी देख लो एलाइनमेंट, ये पूरी जो आपको गैप दिख रहा है पूरा एक सरखा होना चाहिए,
ये जो पूरा गैप है वो एक सरखा होना चाहिए, यहाँ पर जो बोनट का जो गैप है वो भी एक सरखा होना चाहिए। इस साइड से तो ज़्यादातर नुकसान नहीं था गाड़ी में, ऑलमोस्ट उसी साइड में था। ऊपर का आप टॉप वगैरह भी देख लो, और गाड़ी अभी हम टोचन करके लेके आए हैं तो ये भी टोचन भी बंधा हुआ है, क्योंकि गाड़ी सेंसर वाला है तो चालू नहीं है। अंदर से भी आपको मैं थोड़ा दिखा दूँ, तो ये पूरा अंदर से देख लो। और ये डोर पूरा ओरिजिनल है, कहीं पर डैमेज वगैरह नहीं है, ओनली फॉर कलर ख़राब है इसका। तो ये देख लो अंदर से पूरा, अभी ये कलर होने के बाद आपको एक नंबर अच्छा दिखने वाला है। और लाइटें लगाई हुई थी पुरानी, हमने एलिमेंट आगे का खराब है इसलिए। आगे अंदर से पूरा फ्रेम देख लो, नया है बिल्कुल। तो फाइनली केबिन का काम और डेंटिंग का काम तो हो ही चुका है, अभी इसमें जो हम काम करने वाले हैं वो पेंट का है। शुरू करते हैं इस गाड़ी का पेंट का काम। सबसे पहले घिसाई वगैरह होगी, शीशा और बोनट निकाल देंगे, इसके बाद जो भी आगे काम होगा वो आपको दिखाएंगे। बोनट भी खोल दिया है और आगे का जो शीशा था वो भी हमने नीचे उतार दिया है, बोनट भी निकाल दिया है। तो अंदर से भी आप देखो, ज़्यादातर अंदर आपको ऐसा नहीं लगेगा, जो कंपनी के जो सील वगैरह आते हैं उसको कुछ भी हमने डैमेज वगैरह नहीं किया है। यहाँ से गाड़ी बहुत आउट ज़्यादा थी तो उसको भी हमने पूरा रिपेयर किया है, तो कहीं पर आपको ऐसा लगेगा नहीं कि अंदर आपको कहीं पर गाड़ी रिपेयर हुआ हो। और देख लो ये कंपनी के जो सील्स जो आते हैं वो कंप्लीट ऐसे ही पड़े हैं, और यहाँ से हमने पूरा कटिंग करके आगे का जो फ्रेम है वो पूरा हमने लगाया हुआ है। ये जो मैक्सीट्रक वाला स्टिकर है ये ओरिजिनल है, तो इसे भी हम रिमूव कर देंगे, और गाड़ी जब बन जाएगी इसके बाद इसको भी नया यही ओरिजिनल हम लगाएंगे। तो इसको भी निकालते हैं, पावर स्टारिंग का भी लोगो निकल जाएगा, ये जो रिडियम से पूरा लोगो बना हुआ है ये भी निकल जाएगा। तो फिलहाल इसे निकालते हैं, ये निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये पूरा शायद नहीं निकलता है, इसको छोटे छोटे तरह से और एकदम आराम से निकालना पड़ता है, और स्क्रैच भी ना हो नीचे कलर में, क्योंकि ये सब पार्ट्स इधर ओरिजिनल पड़े हैं। तो इसी तरह से पूरा हम निकालेंगे, ट्राई करते हैं पहले पूरा निकल जाए, लेकिन लगता नहीं है कि पूरा निकलेगा, तो आपको निकालने के बाद दिखाते हैं। वैसे मैक्सीट्रक का स्टिकर तो निकल चुका है, ये पावर स्टेयरिंग का लोगो ये तो आधा निकल चुका है, लेकिन आधा अभी बाकी है, इसको भी निकालेंगे और ये पूरा स्टिकर भी निकालेंगे। ये रेडियम लगा हुआ है तो इसको भी निकालना पड़ेगा, अगर आ जाता है तो उसको भी निकालना पड़ेगा, तो घिसाई में निकल जाएगा। फाइनली रेडियम वगैरह निकल चुका है, पावर स्टेयरिंग का लोगो भी निकल चुका है, यहाँ से जो स्टिकर लगा था वो भी निकल चुका है, और मैक्सीट्रक का भी लोगो निकल चुका है। अभी थोड़ा सा इसमें गम वगैरह लगा हुआ है, देखो वगैरह निकालने में थिनर से कभी भी आप नहीं निकालोगे, नहीं तो आपकी गाड़ी का भी कलर फेड हो सकता है। केरोसिन से आप निकाल सकते हो, कपड़ा लो, कपड़ा में केरोसिन लो और केरोसिन से पूरी निकाल दो। कुछ हमारे सब्सक्राइबर पेंटर है तो उसको मैं बता दूं कि हमारा जो कलर का किस तरह से प्रोसेस है वो भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो देखो पहले हमने गाड़ी पूरी ऑल ओवर देख ली, और डेंटिंग का काम भी हो गया वीडियो में आपने आगे देखा, और स्टिकर वगैरह भी निकल चुके। पहले हमने पूरा 80 नंबर से पूरी इस पर घिसाई वगैरह की है, और ड्राई पूरी घिसाई की है, पानी से नहीं की हुई है। और हर पेंटर की अलग अलग काम करने का तरीका होता है, हमारा तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर हमने पूरा 80 नंबर का पेपर से पूरी घिसाई वगैरह की है, और अभी हम पानी से घिसाई करेंगे, वो करेंगे 320 नंबर के पेपर से, यहाँ पर जो लिखा हुआ है P320। तो पूरी इसकी जो घिसाई है पानी से होगी, और 320 नंबर से पेपर से पूरी घिसाई वगैरह करेंगे, इसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे।
आपको दिख रहा है ना, ये दूसरा कलर इस पर लगा हुआ है। तो देखो अभी हम घिस रहे हैं तो निकल रहा है पूरा, है ना, जैसे ओरिजिनल डोर मिल गया है। नहीं तो ये खाली डोर हम लेने जाते हैं ना ओरिजिनल, तो 10,000 के आसपास खाली गाड़ी का डोर आता है ओरिजिनल कंपनी एंड महिंद्रा का। लेकिन ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का है, लेकिन पुराना है, थोड़ा सेकंड है, लेकिन कहीं पर जंग नहीं लगी हुई इसमें, ओरिजिनल डोर मिल गया है। और कस्टमर से पहले ही बात हो चुकी थी कि ये जो डोर है हम पुराना ओरिजिनल डालेंगे लेकिन नया नहीं डालेंगे। कई कई कस्टमर को हम पहले बोल देते हैं कि भाई ये पार्ट्स हम ओल्ड डालेंगे, ओरिजिनल डालेंगे या लोकल डालेंगे, सब बातें कस्टमर को पहले ही बोली जाती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि 10,000 का डोर डालना था और हमने ये 2,000-4,000 वाला डोर डाली, ऐसा नहीं है। गाड़ी से कस्टमर से पहले ही बात हो जाती है कि ये पार्ट्स हम डालने वाले हैं। फाइनली गाड़ी का जो घिसाई का काम था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 320 नंबर पेपर से पूरी हमने केबिन घिस दी है। अभी इसमें पुट्टी का काम होगा, वो वीडियो में आप आगे देखोगे। तो पूरी केबिन को पूरा हमने घिस दिया है, यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ पर जो स्टिकर वगैरह थे सब कुछ घिसाई का काम हो चुका है। और बोनट का घिसाई वाला काम चालू है। तो देखो कंप्लीट ही फाइनली पूरी केबिन घिस दी है। अभी इसमें पुट्टी का काम होगा। अच्छा काम करना है तो टाइम ज़्यादा लगता है, अगर आपके पास टाइम है तो ही अच्छा काम करवाए, वरना चालू काम तो सब कब करता है और जल्दी में भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में काम कर दिया और कस्टमर को काम अच्छा नहीं मिला। तो हम ट्राई करते हैं कि कस्टमर को एक अच्छा काम मिले, इसलिए टाइम ज़्यादा लेते हैं। फिलहाल अभी पुट्टी वाला काम चालू है। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा इसमें सोलर वगैरह भरा हुआ है, जहाँ पर छोटे छोटे डेंट्स है वहाँ पर, यहाँ पर हम पुट्टी भी भरते हैं जो वर्थ की आती है। और ये वीटी का सोल्डर है, सोल्डर बहुत हार्ड रहता है और घिसाई करने में भी बहुत हार्ड रहता है। टॉप आपने देखा कि टॉप बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो इसमें भी हमने पूरी सोल्डर वगैरह भर के इसको पूरा लेवल करेंगे। सेंडर मशीन से पूरी हमारी घिसाई होगी। और इस साइड से अभी हमने इस साइड में बाकी है, ऊपर टॉप चालू है। अभी करते हैं सेंडर मशीन से थोड़ी सी घिसाई वगैरह, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो चालू है अभी काम, जहाँ पर डेंट वगैरह थे तो पूरा इसको लेवल करना पड़ता है। यहाँ पर भी एक डेंट था छोटा सा, और घिसाई वगैरह चालू है। आगे यहाँ पर भी आप देख सकते हो जहाँ पर छोटे छोटे डेंट थे, तो वहाँ पर पुट्टी वगैरह से पूरी लेवल कर दिए। और ऑलमोस्ट काम तो हो ही चुका है, और डोर वगैरह में जो डेंट थे वो भी अभी हम चालू है काम पूरा, ये डोर वगैरह खुल के, और आगे का काम वो भी कर रहे हैं। तो पहले जो सोलर वगैरह हमने पूरा लेवलिंग का काम कर दिया, इसके बाद डिको का सनलेक एनसी पुट्टी जो दिख रही है आपको, ये जो सनलेक एनसी पुट्टी सब पे भरी हुई है, जहाँ पर छोटे छोटे स्क्रैच वगैरह होते हैं वहाँ पर। और देखो पूरा कवर कर दिया है। अभी इसमें घिसाई होगी 400 पेपर से, 400 नंबर पेपर से और 600 नंबर से पेपर से पूरी घिसाई वगैरह होगी। अंदर का जो आप अभी देख रहे हो तो इसमें अभी काम कुछ भी नहीं हुआ है, फिलहाल बाहर का ही काम हुआ है, अंदर भी काम होगा, सब घिसाई वगैरह होगी और प्राइमर लगेगा, कलर लगेगा, सब कुछ लगेगा। और यहाँ से पूरा देख लो, सब पुट्टी एनसी पुट्टी जो आपको मैंने दिखाई सनलेक की हम यूज़ करते हैं, तो इस पर सब कुछ काम हो चुका है। ऊपर पूरा केबिन का ऊपर से घिसाई वगैरह भी चालू है 400 नंबर पेपर से। और यहाँ पर इस गाड़ी के डोर वगैरह पड़े हैं, तो यहाँ पर भी हमने पूरी पुट्टी वगैरह भर दी है। सामने और एक इसका डोर है, उस पर भी पुट्टी वगैरह हमने कंप्लीट कर दी है। और इसी के साथ
घिसाई अभी चालू है गाड़ी में। घिसाई होने के बाद आपको फाइनली इस गाड़ी के जो डोर वगैरह है फिटिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं। पुट्टी का जो आपको मैंने आगे बताया वीडियो में कि पुट्टी का काम था वो भी फाइनली कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इस पर हमने प्राइमर लगा दिया है, जो PPG का प्राइमर है हमने इस गाड़ी पर यूज़ किया है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का इसके हम पेंट करने वाले हैं तो नीचे जो प्राइमर है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो इस पर हमने पूरा PPG का प्राइमर लगा दिया है, और ये 1K प्राइमर है, इसमें 2K भी आता है, लेकिन इस गाड़ी पे हमने पूरा 1K प्राइमर से पूरी गाड़ी पे लगाया हुआ है, और इस साइड से भी आप देख सकते हो। तो अभी इस पर लगेगा, मतलब कि 600 नंबर से पूरी इसमें घिसाई होगी, और घिसाई के बाद इसमें कहीं कहीं पे छोटे छोटे स्क्रैच होंगे जो हमसे रह गए होंगे, उसको पूरा हम लेवल करके फाइनली करके इस पर वापस से हमें 1K प्राइमर यूज़ करके इसको फाइनल करेंगे, और आगे का जो प्रोसेस होगा वो होगा इस पर फाइनल कलर। इससे पहले इस गाड़ी में हम पीछे का चेसिस कलर करेंगे और अंदर से घिसाई वगैरह करके इस पर भी प्राइमर कलर करेंगे, इसके बाद फाइनल कलर इस पर लगाएंगे। यहाँ पर स्क्रैच हैं तो यहाँ पर हमने मार्कर से पूरा पॉइंट किया हुआ है, यहाँ पर थोड़ी सी पुट्टी भरी जाएगी, इसके बाद इस पर प्राइमर अलग से लगेगा, घिसाई भी होगी। तो ये सब हमने डॉट डॉट आपको जो दिख रहे हैं स्क्रैच पेन से वो किए हुए हैं, तो इस पर हम पुट्टी वगैरह कंप्लीट करके इस पर फाइनली जो अस्तर है वो हम लगाएंगे। जैसे कि चेसिस का कलर हो गया, इसके बाद हमने केबिन के अंदर फाइनली पेंट कर दिया है। और कई पेंटर ऐसे होते हैं पहले बाहर का कलर फाइनल करते हैं और बाद में अंदर का जो कलर है वो करते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा तरीका अलग है। हम पहले अंदर कलर करते हैं और फिर बाहर कलर करते हैं, और अंदर का जो कलर रहता है उसमें थोड़ा फिनिशिंग वगैरह कम होगा तो चलता है, लेकिन कलर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि 1-2 कोट लगाने चाहिए। भले थोड़ा फिनिशिंग कम आएगा लेकिन क्या है, जल्दी जंग वगैरह न लगे। और वैसे तो मैं आपको बताऊँ तो नई गाड़ी में अंदर है वो कलर नहीं आता है, ओनली फॉर यहाँ पर ही कलर आता है, मतलब इस साइड में कलर वगैरह कंपनी भी नहीं देती है। आपको अंदर थोड़ा डोर वगैरह खुल के आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पर कंपनी भी कलर नहीं देती है, ये थोड़ा कलर यहाँ पर कम कलर रहता है, लेकिन इस पे कलर आता है जो कंपनी देती है। लेकिन ये 2019 का गाड़ी है, वैसे हमने पूरा ऑल ओवर कंप्लीट कलर अंदर बाहर कर दिया है ताकि जंग वगैरह जल्दी से आगे जाके ना लगे। तो बस यही कुछ था, आगे और अंदर साइड में भी कलर हो चुका है देखो, और बस अभी इसमें फाइनली कलर है वो केबिन पे लगने वाला है, तो वो लगाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। इसका जो आगे का बोनट है ये पड़ा है, इसको भी हमने पूरा फाइनली कलर कर दिया है। तो देखो अभी तो जो कलर होगा इस पे ऊपर, सबसे पहले ऊपर टॉप लगेगा कलर, और टॉप और पीछे का जो पूरा पैनल है इसको हम फाइनल कलर करेंगे, और पूरा ये टॉप रहा उसको पूरा हम पैक कर देंगे ताकि केबिन पे कलर हो तो ऊपर ना लगे। तो बस अभी फाइनली टॉप लगाते हैं और इसके बाद फाइनली इस केबिन पे वाला कलर लगाते हैं, और फाइनली ये गाड़ी अभी कलर के लिए तैयार है। और सब पीछे का जो पूरा पैनल है वो हमने फाइनली कलर कर दिया है, इसको पूरा पैक करेंगे, ये टॉप और ये पीछे का पैनल दोनों कलर फाइनल कर दिए हैं, और अभी लगने वाला है फाइनल कलर इस पर। और ये जो प्राइमर हमने यूज़ किया है ये PPG का किया हुआ है, और इस पर कलर जो लगने वाला है वो भी PPG का हम करने वाले हैं, और प्यू PPG का कलर होने वाला है। जो प्राइमर लगा हुआ है इसको हमने पूरा अच्छी तरह से 600 नंबर से पेपर से पूरी घिसाई वगैरह कर दी है। बस ये कुछ था, और अभी पूरी घिसाई तो हो चुकी है, प्राइमर भी हो चुका है, तो अभी लगाएंगे फाइनल कलर। तो फाइनल कलर लगाने के बाद आपको इस काज के कुछ सिनेमेटिक शॉट्स दिखाते हैं। केबिन पे कलर लग चुका है और शाइनिंग वगैरह देख सकते हो आप, और आपको सिनेमेटिक शॉट दिखाऊँगा आगे। तो ये कलर है फाइनल गाड़ी का, ये देखो शाइनिंग वगैरह कलर में, और इस साइड से आपको बताऊं अगर तो शाइनिंग देखो अगर दिख रही हो आपको, तो पूरी जो केबिन है वो फाइनल कलर हो चुकी है। ये रहा गाड़ी का केबिन, और अभी आपको सिनेमेटिक शॉट दिखाऊंगा कि कलर लगाने के बाद चमक वगैरह कैसी आई है वो। तो चलो दिखाते हैं आपको सिनेमेटिक शॉट्स।
यहाँ तक दोस्तों आपने वीडियो देखी, इसमें मैंने आपको पेंट के बारे में ज़्यादातर बताया और इस गाड़ी का जो फाइनल पार्ट्स आएगा उसमें आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, क्योंकि इस गाड़ी का अभी मैंने आपको जो बताया उसमें आपको पेंट तक बताया, लेकिन पेंट होने के बाद क्या काम हम करते हैं वो आपको इस गाड़ी की नेक्स्ट वीडियो में और फाइनल पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख दो, क्योंकि वो जो वीडियो है वो कुछ ही टाइम में इस हमारे चैनल अनवर एएसपी पे आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन है वो ऑल पे कर दो, ताकि जब इस गाड़ी का मैं फाइनल वीडियो बनाऊँ तब आपको सबसे पहले देखने को मिले। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी ऐसी बोलेरो पिकअप है जो पूरी ख़त्म हो चुकी है, उसमें जंग वगैरह लगी चुकी है, आप रीस्टोर करवाना चाहते हो, कोई ओल्ड पिकअप है इसको टॉप मॉडल में कन्वर्ट कराना चाहते हो, इसी के साथ कोई एक्सीडेंट गाड़ी है जिसका चेसिस और इंजन सही है, चालू गाड़ी है लेकिन एक्सीडेंट हुआ है, रिपेयर नहीं हो रही है, तो आप हमसे रिपेयर करवा सकते हो। अगर आपको हमारा एड्रेस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वैसे आपको मैं बता दूं कि हमारा जो वर्कशॉप है वो गुजरात के कच्छ जिले के भुज सिटी में, और हमारा आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप वगैरह भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। इस गाड़ी का जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो वो भी आप ज़रूर देखना। तो बस आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि इतना ही था, और नए वीडियो के साथ ही जल्दी मिलने वाले, तब तक के लिए बाय बाय।